वेलकम गेमर्स, पिछली बार हमने पार्वल के तगड़े बॉस बेलन और लिबेरो को चैलेंज किया था जिसकी एचपी भाई 4.5 लाख जितनी थी, बट उसने भाई सारे मेरे तगड़े पैल्स को धूल चटा दी थी तो मैं वहां से भाग निकला था। फिर रिवेंज लेने के लिए मैंने एक लेजेंडरी रॉकेट लॉन्चर बनाया और उसी के साथ गोफिन स्ट्रेटेजी का यूज करके मैंने अपना प्लेयर अटैक 3 गुना बढ़ा दिया। और जब मैं उसके पास रीमैच करने गया तब मैंने उसकी एचपी भाई 60,000 तक पहुंचा दी थी, बट टाइम खत्म हो चुका था तो मुझे टाइम आउट मिल गया था और मैं उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। सो भाई पिछला एपिसोड बहुत तगड़ा था, अगर तुमने मिस किया है तो पहले जाकर जरूर देखना उसको। और आज हम वापस बेलन और लिबेरो को चैलेंज करने वाले हैं और उसके लिए मैंने एक तगड़ी पैच की टीम तैयार करी है जिसने भाई इस फाइट की कहानी पूरी चेंज कर दी। और उसी के साथ मैंने इस गेम का एक सीक्रेट ओपी वेपन बनाया जिससे मैंने बेलन और लिबेरो को 2 मिनट में मार दिया। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, तभी जाके तुम्हें मजा आएगा। और भाई पिछले वीडियो में मैंने तुम लोगों को 8.5 के सब्सक्राइबर्स एंड 1 के लाइक्स का गोल दिया था जिसको तुमने कंप्लीट कर दिया, तो आज मैं तुम लोगों को 9 के सब्सक्राइबर्स एंड 1 के लाइक्स का गोल दे रहा हूं, सो प्लीज कंप्लीट करवा देना यार। एनीवेज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई ये हालत कैसे हुई अगर ये तुम लोगों को नहीं पता तो पिछली वीडियो जाकर देखो। पहले तो भाई चिलेट को यहाँ पे रख देते हैं भाई कहीं पर, ठीक है ये चली गई। अब मैं अपने न्यूम को उठा लेता हूँ। ओके ये देखो, ये सारे के सारे जो जेड ड्रैगन से इनको मैं अपने साथ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं इनका लेवल अप करना चाहता हूँ और जैसे ही लेवल 50 हो जाएगा वो मुझे ही काम में आएगा। यहाँ पे भाई ये दिखा रहा है कि पाल बॉक्स की भी भाई एचपी बहुत कम है, तो आई गेस मेरे को ये पाल बॉक्स का भी कुछ करना पड़ेगा। ओके तो 20,000 आउट ऑफ 20,000, इसका मतलब ये एचपी जो है वो रीसेट हो चुकी है। ओके मेरे पास यहाँ पे 49 लेजेंडरी स्फीयर्स है तो आई गेस भाई मेरे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरा यहाँ पे प्लान सिंपल है भाई, मैं घूम घूम के बॉसेस पकड़ने वाला हूँ, जैसे कि ये जो एस्टेगन वगैरह है उनको मैं पकड़ना चाहता हूँ। ओके सो हम आ चुके हैं लावा वाली बायोम में और आते ही यहाँ पे मेरे को गर्मी लग रही थी, ठीक है मैंने पहन लिया भाई ये। अरे मैं इसको रख के आऊँ ना, एक सेकेंड इसको रख के आता हूँ फटाफट। चलो फॉक्सीगल जी आप इसको भी थोड़ा सा कूल रखिए, हम आते हैं थोड़ी देर में। भाई शाम हो रखी है, मैं काम करता हूँ, सो ही लेता हूँ उसके बाद जाता हूँ भाई, वरना वहाँ पे एस्टेगन वाले एरिया में कुछ दिखता ही नहीं है। गुड मॉर्निंग पैल्स, हम चलते हैं। चलो दोस्तों वापस लावा वाली बायोम में चलते हैं और इस वाले पे मैं टेलीपोर्ट करता हूँ क्योंकि ये सबसे क्लोज है। नियोम सर जी आ जाइए बाहर और हमको नियोम करके पहुंचा दीजिए जहां पर हमें जाना है। ओके हम आ चुके हैं भाई यहाँ पे इजिली, बहुत ही बढ़िया। हेलो एस्टेगन सर जी, हाउ आर यू? जरा हम आप पे रॉकेट लॉन्चर को टेस्ट करते हैं, ठीक है आपको डैमेज तो भाई ये कहां पर चला गया? अबे यार इन लोगों की एक तो पता नहीं क्या दिक्कत है भाई। भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं निकलता हूं यहां से वरना ये भाई डिस्पॉन हो जाएगा। मैं नहीं चाहता भाई, मैं इसको पकड़ना चाहता हूं भाई। ये क्या भाई ग्लिच होते रहता है, मेरे साथ ही होते है भाई एक तो ये साले ग्लिच। एक काम करता हूं मैं पहले जाके ना ब्लेजमिट को मार देता हूं फिर वापस आऊंगा, ऐसा करते हैं। तो हम आ चुके हैं ब्लेजमिट वाले एरिया में और ब्लेजमिट वाले एरिया में क्या है भाई, हम पहुंच चुके हैं इतनी देर में स्कॉर्चिंग माइन शाफ्ट में। ओके यहां पे उतरते हैं और नियम को निकालते हैं बाहर। इस पर जरा अटैक कीजिए। वाओ भाई क्या मस्त वाला डैमेज पड़ा है रॉकेट लॉन्चर से भाई। और अभी न्यूम भी मारेगा ना इसको मस्त वाला केवन मशरूम वापस। डोंट माइंड इफ आई पिक देम अप। यहां पे मिल चुकी है हमें एक चेस्ट, तो हम इसको ऑब्वियसली उठा लेंगे। जिसमें से मिला है हमको कोई सल्फर मिला भाई, बहुत सारा, क्या बात है। ओह केवन मशरूम, डोंट माइंड इफ आई पिक देम। देखो भाई मैं हर एक बॉस में ना ये एक ही रॉकेट लॉन्चर छोड़ूंगा क्योंकि मेरे पास एमओ की वैसे भी कमी हो रखी है भाई। ओहो हो क्या बचाऊं भाई मैं। नियम सर जी आप झले क्यों हुए मेरे को जरा बताएंगे प्लीज। पाल्स फियर नहीं, लेजेंडरी भाई बहुत सारे, ठीक है बहुत मस्त वाला भाई फाइट चल रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया जेट ड्रैगन, वेरी गुड। बस 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 इतना ही डैमेज देना है, ज्यादा नहीं देना वरना ये मर जाएगा भाई। ओके ये नहीं मर जाएगा भाई, अभी भी जिंदा होगा भाई। किधर जा रहा है उछल उछल के, यहाँ पर मेरे पास। ओए पाजी मेरा स्टेमिना खत्म हो गया भाई, मैं इसके नजदीक जाता हूँ ये साला कूद के चला जाता है कहीं पर। ओ माय गॉड भाई मेरे को परेशान करके रखा है कत्ते इसने भाई। आ जाना भाई, लेजेंडरी स्फीयर फेंक रहा हूँ समझ रहा है भाई। ओ नहीं भाई ये भी नहीं प्लीज बाहर आ जा भाई, प्लीज बाहर आ जा, थैंक यू भाई। ये भी दीवार में घुस चुका था एस्टेगन की तरह भाई। क्या नल्ले लोग है, कितने खाएगा भाई तू, कितने खाएगा लेजेंडरीज मेरे। ओके भाई ओके अब तो भाई आजा भाई, 42 एचपी पर है साला फिर भी नहीं भाई ये लेजेंडरी स्पीकर्स। रुक तेरे पे हाइपर डालता हूँ एक, चल भाई लेजेंडरी में भाई शेक नहीं आया था, हाइपर में शेक आ रहा है भाई, पूरा का पूरा ग्लिच हो रखा है गेम।
भाई ये क्या करूं मैं, ये क्या करूं इसका मैं भाई, अब तो नहीं मार सकता, पूरा 14 HP पर है भाई, अगर मैं मारूंगा तो खत्म है ये। आजा प्लीज, थैंक यू भाई, थैंक यू आने के लिए। ओके इट्स टाइम टू गो टू द एस्टेगन गाइस, चलो चलते हैं फटाफट एस्टेगन के पास। ओके आ चुके हैं हम यहाँ पे एस्टेगन के पास, और ये मैंने निकाल लिया न्यूम, जो की इस गेम की सबसे खतरनाक सी चीज है, आई मीन सबसे खतरनाक फास्टेस्ट चीज है। ओके यहाँ पर तो न्यूम काम नहीं करेगा, क्या मैं क्या कर रहा हूँ भाई। ओके गाइज हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे एस्टेगन के पास, ठीक है। आके पहले तो एक रॉकेट लॉन्चर इसके मुंह पे मारना है। ये भाई उसके मुंह पे नहीं लगा, शायद नहीं लगा भाई, वरना क्रिटिकल डैमेज आता ना वहाँ पे। कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे झटकन सर जी आप बाहर आ जाइए। K1 मशरूम है, डोंट माइंड इफ आई पिक देम। अटैक पेंडेंट प्लस, भाई एक और मिल गया मेरे को, ये कहाँ पर है, कहाँ पर है? हाँ ये देखो अटैक पेंडेंट प्लस 1 वाला भाई, ये तो बढ़िया हो गया ना, दो दो हो गए अब मेरे पास। भाई मेरे को क्यों मार रहे हो तुम लोग, अपने आप लड़ो ना भाई, मैं मेरा वास्ता ही नहीं है एस्टेगन सर जी, मेरा ये जेड ड्रैगन मेरा है ही नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में बिलीव मी भाई। ये फाइट ना मेरे को भाई पता नहीं अब अजीब सी क्यों लग रही है भाई, मेरे जेड ड्रैगन पता नहीं डैमेज कम कर रहे हैं पहले से ज्यादा, आई डोंट नो द रीजन, बट मेरे को ऐसा फील तो होता है भाई कि जेड ड्रैगन का डैमेज इन लोगों ने कम कर दिया, या फिर इन लोगों ने बॉसेस का डिफेंस बढ़ा दिया है भाई। जेट ड्रैगन क्या कर रहा है भाई, तू तो खतरनाक वाला जेट ड्रैगन है मेरा। ओके भाई इसको पकड़ने की ट्राई करते हैं, प्लीज भाई आजा, प्लीज आजा, एक ही में आ गया भाई, कितने अबे यार एक्सपेक्ट भी क्यों करता हूँ कि ये एक में आ जाएंगे भाई। भाई ये जेड ड्रैगन एक तो बर्निंग डैमेज दे देगा ना, तो मेरे को ये दिक्कत हो जाएगी, ये पूरा मर जाएगा भाई, मेरे को रखना ही होगा जेड ड्रैगन को बाहर। भाई जेड ड्रैगन डैमेज दे थोड़ा सा, हल्का फुल्का सा डैमेज, ठीक है हल्का फुल्का। ओके नहीं 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 ये जल चुका है, नहीं भाई यही तो नहीं करना था, नहीं भाई ये मर जाएगा भाई, प्लीज 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 आजा भाई, कैप्चर हो जा। अरे नहीं यार भाई क्या बिगाड़ा है मैंने यार, लिटरली भाई क्या करूं भाई मैं। अरे मैं भाई मैं एक चीज के बारे में तो भूल ही गया, ये बना सकता हूँ ना मैं, इनसे इसकी HP 1 से नीचे नहीं जाएगी भाई, ये तो आसानी से बन जाएगा भाई। चलो पहले जाके बेस पे यही बनाते हैं। ओके सो भाई लोग हम आ चुके हैं बेस पे, देखते हैं भाई रेसिपी कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये रही। इसके लिए बस इंगट्स चाहिए, वो भी कितने चाहिए, 14 इंगट्स चाहिए। ओके अभी लेके आते हैं भाई 14 इंगट्स। न्यूम सर जी जरा बैठने दीजिए मेरे को, बहुत बढ़िया, यहाँ से हम आपसे उतर जाएंगे और नीचे उतर के ये पैराशूट खोल के। ओके यहाँ पे इग्निस सर जी आप आ जाइए यहाँ पे, 14, ओके डन, आ जाइए इग्निस सर जी, जल्दी जल्दी 14 इंगट्स बना दीजिए, आपको भाई देर तो नहीं लगनी चाहिए इनके लिए, खाना वाना ठीक है ना भाई, ठीक है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चंगा ओके नाइस। ओके यहाँ पे 6 भाई 5, अच्छा ये लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को लगा ये कम क्यों बने भाई। ओके ये रहे भाई, वेट बढ़ गया है भाई, ये बहुत दिक्कत हो गई है जब से मैंने रीसेट किया ना पॉइंट्स, वेट की भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। चलो छोड़ एक काम करते हैं, टेलीपोर्ट कर देते हैं। ओके भाई फाइनली पहुंच गए, ठीक है अब यहाँ पे रिंग ऑफ मर्सी बन जानी चाहिए। ओके भाई यहाँ पे आ जाते हैं, अब ये वाली असेंबली लाइन पे बनेगा ना, वर्कशॉप बेंच में, आई मीन प्रोडक्शन असेंबली पे, ओ ये रहा। ओके भाई आ जाओ मेरे अनुबिसिस, सारी की सारी अनुबिसिस, ओ माय गॉड आ जाओ भाई, ठीक है जल्दी 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 जल्दी, थैंक यू वेरी मच। ओके इसको कहाँ पर पहनना होता है भाई, आई गेस एसेसरी में ही होगा ना, हाँ वहीं पर है। मैं सोच रहा हूँ देखो ये तो काम की चीज़ है, मल्टी ग्रामेंट अंडर शर्ट, अटैक पेंडेंट अभी यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि भाई अभी उसका कुछ ज़्यादा काम नहीं है, वो जब हम फाइट करेंगे तब लेके जाएंगे, अभी तो भाई उसका भाई लिटरली कुछ काम ही नहीं है। तो यहाँ पे अटैक पेंडेंट रख देता हूँ, दोनों के दोनों रख देता हूँ, 3 एक्चुअली मेरे पास 3 भाई, अब तो एक और मिल चुका है ना प्लस 1 वाला भाई, बहुत ही ज़्यादा मजे आने वाले हैं भाई फाइट में लिटरली। ओके सो मेरे को यहाँ पे रॉकेट एमो बनानी कितनी बन रही है, 18 कम बन रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई चलाना पड़ेगा। मेरे को स्फीयर्स भी बनाने हैं भाई, क्योंकि मैं अभी जाना हूँ पकड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास स्फीयर की कमी है। एक काम करते हैं भाई, थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब मैं बहुत सारे रॉकेट्स और स्फीयर्स बना लेता हूँ, तब तक सो सी यू सून। ओके भाई तो यहाँ पे मैंने सामान सारा रेडी करके रखा है, चलो अब जाके पार्ट्स को पकड़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं इस वाली ये जो सेंचुरी है ना यहाँ पे जाना चाहता हूँ। देखो भाई इसका सिंपल रीजन है, क्योंकि यहाँ पे हमें भाई बहुत सारे हाई लेवल के पैल्स मिलेंगे, तो भाई आई गेस वही बेहतर रहेगा, इंस्टेड ऑफ कि मैं सभी जगह घूमूं और अलग अलग पार्ट्स इकट्ठे करूं, अलग अलग बॉस इकट्ठे करूं, भाई इससे तो ये बेहतर ही रहेगा ना। एक काम करते हैं पहले लाइलिन नॉक्ट के पास चलते हैं, क्योंकि भाई वो वहां पर नहीं मिलती है। आई डोंट नो भाई मैं लाइलिन नॉक्ट को क्यों पकड़ रहा हूं, वैसे जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि भाई ये डार्क वाली है, वो उसके सामने भाई कुछ टिक नहीं पाएगी, बट फिर भी भाई जो भी हो भाई मेरे को केव नहीं दिख रही लाइलिन। ओ अच्छा ये रे ये रे ये रे भाई मैं अंधा, लिटरली अंधा हूं भाई मैं। के यहां पे आ चुके हैं हम लाइलिन नॉक्ट के पास, हेलो लाइलिन नॉक्ट हाउ आर यू, ये ले तेरे मुंह पे मेरा जेट ड्रैगन, ठीक है खा बेटा खा, तेरे स्पाइक ब्लिजर्ड से मेरे को कुछ नहीं होता समझी, ये मैं तेरे को मारता हूँ, रुक जा। ये आ भाई, भाई ये क्या, अरे लगी नहीं उसको,
भाई, छी भाई क्या किस्मत है। ओके एक और 1325 का डैमेज देखा बेटा, लाइलिन नॉक। अरे भाई क्या भाई, मैं कुछ बोलता ही क्यों, मेरे को पता ही मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। ओके यहाँ पे 1400 भाई, देखा रिंग ऑफ मर्सी का कमाल, वो 1 HP पर है तो अब तो भाई इजीली पकड़ देंगे यार। यहाँ पे मशरूम में डोंट मीन डाइफ पिक। ओके भाई अब ये बस पकड़ी जानी चाहिए। भाई तू शर्म है तेरे को है, 1 HP पर है और लेजेंडरी स्फीयर है फिर भी नहीं आ रही अंदर। आजा, अरे भाई आजा बहन, क्या दिक्कत है तेरे को, क्या दिक्कत है भाई तेरे को लिट। अरे भाई मैं क्या करूं, मैं क्या इसका करूं ही क्या भाई, मैं करूं ही क्या भाई। आ जाना क्या दिक्कत है भाई, क्या है भाई, आ जाना, क्या दिक्कत है तेरे को भाई, आजा प्लीज, आजा प्लीज, आजा। ओ भाई थैंक यू भाई, कतई बॉटमलेस स्टमक भाई, छी भाई छी, टाइम वेस्ट भाई, लिटरली टाइम वेस्ट। ओके भाई अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे सेंचुरी में, क्योंकि भाई बस मुझे जाना है, मेरे को कुछ पता नहीं भाई। पहले काम करते हैं, बेस पे जाके थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे शेडो बिग को उठाने वाला हूँ, क्योंकि भाई मेरा जेट ड्रैगन पता नहीं थोड़ा सा कम डैमेज दे रहा है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। सो यहाँ पे शेडो बिग को उठा के चलते हैं भाई। ओके सो भाई लोगो हम पहुंच चुके हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नंबर 3 पे, और यहाँ आते ही मेरे को दिख रही है एक लाइलिन और उसके साथ एक चेस्ट भी दिख रही है, जिसमें से हमें स्लैब फ्रेगमेंट भी मिल रहा है। Nice. Okay, यहाँ पे मैं क्या करूँ भाई, इसको ऐसे नहीं मारना है, रुक जाओ मैं उतर के मारूंगा, सिंपल है ठीक है। रॉकेट को भाई रिलोड कर ले, मेरा रॉकेट कभी भी रिलोडेड नहीं होता भाई। ओके यहाँ पे रॉकेट रिलोड हो चुका है, रिंग ऑफ मर्सी है तो इसकी वजह से 8000 डैमेज और 1 HP। यस भाई ठीक है, पकड़ ले, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अरे आ जाना भाई, मेरे को लगा एक में ही आ गए भाई, तू तो नाक कटवा रही खुद का ही। ठीक है एक शेक और ये दूसरा शेक, थैंक यू वेरी मच पकड़ी जाने के लिए। मेरे को यहाँ पे बुशेस दिख रहे हैं भाई, देखो मेरे को अभी तो कुछ भी चाहिए क्योंकि ये हाई लेवल का होना चाहिए बस। तो यहाँ पे बुशी भी हाई लेवल का है तो इसको पकड़ लेते ना, क्या दिक्कत है। देखो 43 लेवल का है, काम ही आएगा भाई, क्योंकि तुमको पता ही है भाई इस फाइट में मेरे सारे के सारे पाल्स मारे जाते हैं, तो ऑब्वियसली चीज है कि भाई यहाँ पे जितने हाई लेवल पाल्स हमारे पास होंगे उतना अच्छा रहेगा। बट पहले ये चेस्ट उठा लेते हैं भाई। ओके सो मैं सोच रहा हूँ कि इस बुशी को भी पकड़ ही लेते हैं भाई, अगर यहाँ पर आए हैं तो। बुशी सर जी यहाँ पर जरा नजदीक आइए, जरा वो गार्ड देखना ले भाई, मेरे को उसका डर है। ठीक है ये हेडशॉट। ओके यहाँ पे बुशी लो है, फैंगलोप भी लो, चलो इसको भी पकड़ लेते हैं भाई, बाय वन गेट वन फ्री हो गया भाई। नाइस वन। ओके यहाँ पे बुशी तो पकड़ा गया भाई, स्विफ्ट पारियो मैनक मिला है। ठीक है भाई अच्छा वाला बुशी मिला है एक्चुअली, इसका डैमेज अच्छा होगा। और फैंगलोप के पास कंसीटेड है, जिसका मीनिंग क्या होता है मेरे को पता नहीं। फैंगलोप है, बुशी है, बस वही चीजें हैं भाई। यहाँ पे चेस्ट है, ओ शैडो बिक, रुक जाओ। इसको तो भाई उठाना ही पड़ेगा ना ऑब्वियसली। चलो जेट ड्रैगन सर जी आप आ जाइए अंदर, यहाँ पे तू खा बेटा एक रॉकेट लॉन्चर। अबे यार भाई ये रिलोड क्यों नहीं होता कभी भी। ठीक है ये खा जा, ये रुक जा हेडशॉट। हाँ भाई, ओ भाई 1 HP भाई, रिंग ऑफ मर्सी कितनी अच्छी चीज है, लिटरली भाई बेस्ट चीज है भाई, बेस्ट चीज। फेरोशियस भाई साहब, फेरोशियस वाला शेडो बिग मिला है, इसकी ये ब्रीडिंग में बहुत काम आएगा भाई। ओ भाई मेरे को फेरोशियस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि शेडो बिग मिल चुका है ना भाई फेरोशियस वाला, भाई साहब बेस्ट भाई। ओके यहाँ पे ऊपर क्या है, फेलरिस है क्या। ओके भाई सो इस फेलरिस के साथ फाइट लेने को हम आ चुके हैं, और ये बेटा ये एक रुक जाओ, ये सो रही है क्या। ओके 19000 भाई, हेलो 19000 का डैमेज मिला क्या उसको, भाई साहब क्या डैमेज दिया है भाई। पकड़ी जा प्लीज, ठीक है पकड़ी जाना भाई प्लीज, बहुत ही बढ़िया भाई, वेरी गुड। यहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर उठा लेते हैं। पाल्स रिस्पॉन हुए क्या, हाँ भाई पाल्स रिस्पॉन हुए, देखो लाइलिन भी नहीं थी पहले। ओके लाइलिन को उठाते, एक सेकंड वहां पे मेरे को कुछ दिखा, एस्टेगन था क्या, लाल कलर का कुछ तो दिखा भाई। छोड़ो इसको, पहले इसको पकड़ लेते लाइलिन को, 25000 का डैमेज भाई। ओ भाई साहब, भाई पकड़ी जाना लाइलिन प्लीज, एक में ही आ जा, एक ओर्जर भी दिख रहा है मेरे को वहां पे। ओके भाई लाइलिन पकड़ी जा भाई, ओर्जर भाई इतना रेयर होता है भाई, तुम्हें याद है जब मैं ओर्जर पकड़ने की ट्राई कर रहा था मेरे को मिल नहीं रहे था भाई, अब तो ऐसे ही मिल रहा है यहाँ पे। ओके भाई लाइलिन पकड़ी चुकी है भाई, 2 spheres वेस्ट हुए मेरे, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ओर्जर को पकड़, हाँ देखो वहां पे कुछ तो है भाई, क्या है वो, एस्टेगन नहीं ब्लेजमुट है शायद, हाँ ब्लेजमुट है, ब्लेजमुट है भाई 100%। चलो अच्छा है भाई, ब्लेजमुट भी बढ़िया पाल, आई मीन यहाँ पे ओर्जर सर जी आपको नींद में हम मार रहे हैं उसके लिए, सॉरी बट हमें आपकी जरूरत है, क्योंकि आप रेयर हो ना भाई, आपको पकड़ना बहुत जरूरी है भाई। आजा भाई, रेयर है इसका मतलब ये नहीं कि तेरे को VIP ट्रीटमेंट चाहिए, आजा। एक शेक बहुत बढ़िया, ये भाई दूसरा नहीं हुआ भाई, पकड़ा जाना, क्या दिक्कत है तेरे को भाई। हेलो लेजेंडरी स्फीयर्स, क्या है भाई, भाई तेरे से तो अल्ट्रा स्फीयर्स ही बढ़िया थे भाई,
भाई सच में ये क्या है भाई, बेकार से स्फीयर भाई। लिटरली एक तो इनको बनाने में मेहनत भी डबल लगती है, और ये भाई पास भाई पकड़े तो जाते हैं नहीं इसमें। चलो ब्लेजेमिट को मारने चलते हैं अब। ओए वहाँ पे एक और ओड सर क्या भाई? ओके यहाँ पे मैंने ब्लेजेमिट को मारा, ये मैंने स्फीयर फेंका, और ये यहाँ पर आ गया एक शेक, उसके बाद आ गया दूसरा शेक। भाई देखो कितना भाई ऑसम है ब्लेजेमिट। अबे यार ये सामान मेरा फुल हो गया भाई, ये 400 हुआ है ना वेट, भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कसम से। कोल वोल गिरा देते हैं भाई, ठीक है ओके। यहाँ पर जगह हो गई थोड़ी सी, अब जाके उस ओर्जर्क को मारते हैं भाई। दो दो ओर्जर्क लिटरली भाई, ये बंदे ऐसे तो दिखते ही नहीं है, और यहाँ पे भाई आज मेरे को दो दो दिख गए इतनी थोड़ी ही देर में। ओके ये यहाँ पे भाई सच में भाई रॉकेट लॉन्चर ने जिंदगी इतनी आसान कर दी है ना भाई, मैं क्या ही बताऊं, मतलब बहुत मजा आता है सच में। एक रॉकेट लॉन्चर मारो उनकी हेल्थ खत्म हो जाती है यहाँ पे। और ओके यहाँ पे दो स्फीयर्स लगे भाई, पिछले वाले ओर्जर्क ने तो लिटरली बहुत सारे स्फीयर्स खा लिए थे मेरे, बट ये दो वाले मैं पकड़ा गया, जो की भाई अच्छी बात है। भाई यहाँ पे ना देखो पाल्स रिस्पॉन होते, देखो देखो एस्टेगन आ गया। ये एस्टेगन सर जी, हम आपको तो ढूंढ रहे थे। ये खाइए मुंह पे मिसाइल, और ये यहाँ पर आ जाइए, कैप्चर हो जाइए मेरी बॉल में, आई मीन मेरी बोल नहीं भाई, लेजेंडरी स्फीयर में कैप्चर हो जाइए। ठीक है भाई आपने एक स्फीयर खाया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ओके भाई हमको यहाँ पे बहुत ही मस्त मस्त बढ़िया बढ़िया वाले पैल्स मिल चुके हैं, तो चलते हैं वापस बेस पे अपने। ठीक है अब चलते हैं भाई यहाँ पे फ्रॉस्टेलियन के पास। अब तुम लोग पूछोगे क्यों भाई, क्योंकि वैसे भी देखो हमें 50 प्लस लेवल्स, आई मीन 50 प्लस तो नहीं बट हाई लेवल वाले पैल्स की जरूरत है। पिछली बार जब हमने फाइट करी थी तब मैंने यही महसूस किया था भाई, मैंने उसको ऑलमोस्ट मार ही दिया था। अगर मेरे पास भाई हाई लेवल वाले पैल्स थोड़े सा और ज्यादा होते तो मैं उसको भाई इजिली मार सकता था, बट वो नहीं हो पाया। सो यहाँ पे हम इकट्ठा करने वाले हैं लेजेंडरी, और लेजेंडरीज को इकट्ठा करने से पहले भाई उनके बाजू में हमेशा एक बेस बना लेना चाहिए गाइस। ठीक है चलो भाई आ जाओ काम करने भाई मेरे पास। बीरस भाई बीरस तेरी बहुत याद आ रही है ब्रो, तेरे को साथ लेके नहीं घूम सकता, लेकिन अभी ऐसी हालत हो चुकी है। ओके यहाँ पे पैल बॉक्स सक्सेसफुली बन चुका है, तो यहाँ पे अब अपनी फाइट जो है वो स्टार्ट करते हैं ब्रो। सो आजा भाई फ्रॉस्टी यहाँ पर आजा। चलो जेट ड्रैगन सर जी इसको मारना स्टार्ट कर दीजिए, मैंने आपको फायर अटैक सिखाया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस यही कहने वाला था कि फायर डैमेज दे दो उसको, आपने दे दिया जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, और वो तुम्हारे तूफान में खुश घुस गया भाई, नाइस वन। यहाँ पे जेट ड्रैगन जब तक डैमेज दे रहा है फायर अटैक वाला, हम यहाँ पे इसको अपनी ग्रेनेड लॉन्चर से डैमेज देंगे। भाई मैं ग्रेनेड लॉन्चर क्यों बोलता रहता हूँ, ये एक रॉकेट लॉन्चर है भाई। ओके 500 भाई ऐसे डैमेज देते हैं भाई, अभी उसको क्रिटिकल डैमेज नहीं पड़ रहा भाई, मेरे को देखना है कि क्रिटिकल डैमेज कितना पड़ता है उसके हेड पे। अरे ये भाई ये तो आर पार हो गया, मैंने देखा भाई आर पार हुआ है लिटरली शॉट पूरा। अरे भाई वापस हेलो क्या हो रहा है यहाँ पे, जेट ड्रैगन जरा दिखा इसको कि शॉट आर पार नहीं होने दे। ओके यहाँ पर जेट ड्रैगन ने वापस बर्निंग डैमेज, अरे भाई रिलोड भाई रिलोड कर जल्दी। ठीक है ये अरे अरे भाई मैंने रिलोड तो किया अभी, क्या हो रहा है तेरे को भाई, मैंने रिलोड तो करा अभी, तुम लोगों ने देखा ना भाई मैंने रिलोड किया अभी, भाई क्या दिक्कत है इसको। ठीक है मर जा भाई मर जा मर जा। 856 हाँ बस यही देखना चाहता था भाई मैं लिटरली भाई, क्रिटिकल डैमेज। ओके ब्लिजर्ड स्पाइक से बचते हैं बहुत ही इजीली भाई, पहले मैं नहीं बच पाता था लेकिन अब बच रहा हूँ। ठीक है अब वापस 500 का पड़ा है डैमेज। हाँ भाई दिक्कत है, मैं तो समझ नहीं आता भाई कभी भी कुछ भी हो जाता है। ओके भाई अभी एकदम लो एच पे हो चुका है, मेरे को यहाँ पे जेट ड्रैगन को अंदर ले लेना चाहिए भाई, ये बर्निंग डैमेज भाई रहने दे भाई, तू अंदर आ जा। हेलो ये अंदर क्यों नहीं आ रहा, मैं दबा रहा हूँ बटन। ओके अब जाके आया भाई, क्या हो रहा है ग्लिचेस भाई। ओके वो लो एचपी है, वो लो एचपी है, यहाँ पे मैं उसको इजीली पेल सकता हूँ। बस जेट ड्रैगन को भूल से भी बाहर नहीं निकलना, वरना जेट ड्रैगन इसको पेल देगा भाई पूरा। ओके यहाँ पे वापस 500 का डैमेज भाई, कभी कभी 800 का डैमेज पड़ रहा है, कभी कभी 500 का पड़ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। ओके यहाँ पे ये लास्ट शॉट है मेरा, ये भाई बहुत ही बढ़िया उमदा डैमेज भाई, बहुत ही मस्त ब्यूटीफुल। चल भाई अब तू आ जा मेरे स्फीयर में अंदर, ठीक है बाहर मत निकलियो, कसम से बता रहा हूँ भाई, मैंने मना किया ना बाहर मत निकल, बाहर मत निकल अंदर ही रह भाई, समझ नहीं आ रहा तेरे को भाई, बहुत ही गंदी मौत पाऊंगा, कतई तेरे को काट दूंगा उससे भाई, तेरा बुचरिंग कर दूंगा, तू समझ रहा है, तेरा मीट क्लोवर से बुचरिंग भाई, क्या बंदा है भाई लिटरली। आजा बे आजा जल्दी, क्या कर रहा है। ओके एक शेक, ये दूसरा शेक, बहुत ही बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। माइंड फॉर्मेट मिला है जो कि कुछ काम का नहीं, बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हमको तो एक फ्रॉस्टेरियन पकड़ना था जो कि हमने पकड़ लिया है। ओके भाई अब जाते हैं यहाँ पे डेजर्ट वाली बायोम में नेक्रोमस पेलेडियस के पास, बिकॉज आई मीन देखो मेरा अभी यही प्लान है,
बट यहाँ पे अभी रात नहीं हुई, तो आई गेस मैं पहले जाके जेड ड्रैगन को मार देता हूँ। जैसे ही सुबह होगी भाई, मेरे को यहाँ पे गर्मी क्यों लग रही है? ओके, ये मल्टी क्लाइमेट अंडरशर्ट, अरे दिक्कत हो गई भाई, मेरे को अटैक पेंडेंट यूज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मेरे को मल्टी क्लाइमेट अंडरशर्ट भी पहनना पड़ेगा, क्या करूँ भाई? एक काम करता हूँ, रिंग ऑफ मर्सी, हाँ यही करना पड़ेगा, रिंग ऑफ मर्सी फिलहाल के लिए उतार देता हूँ, ठीक है, वहां पे जाके पहन लूंगा, आई मीन उसको एकदम लो एचपी कर दूंगा पहले जेड ड्रैगन को, उसके बाद उतारूंगा भाई। होपफुली मेरे को याद आ जाए कि मैंने रिंग ऑफ मर्सी नहीं पहनी, वरना मैं कहीं उसको भाई पूरा पेल ही ना दूं भाई इल्यूजन में कि मैंने तो रिंग ऑफ मर्सी पहनी है, 1 HP होगा, उससे तो कम नहीं होगा उसका डैमेज। ओके गाइस, यहां पे आके पहले तो एक काम करते हैं, पैल बॉक्स बनाते हैं, और देखो मेरी एक चीज, ठीक है, मैंने सोची, देखो यहां पे आते आते भाई शाम तो हो चुकी है ऑलरेडी, तो मैं ये नहीं चाहता कि भाई मैं जेड ड्रैगन को लड़ने में पूरी रात निकाल दूं और उसके बाद यहां पे दिन हो जाए, तो एक काम करते हैं कि पहले नेक्रोमस के पास चलता है, ठीक है, नेक्रोमस को पेल देते हैं, तो यहां पे जाके डेजर्ट बायोम में मैं कर लूंगा टेलीपोर्ट, और यहां पे आके चारिज़ार्ड आजा बाहर, यहां पे चलो चलते हैं पहले नेक्रोमस पैलेडियस के पास। क्या यहाँ पे, आई मीन देखो, क्या यहाँ पे मल्टी क्लाइमेट अंडरशर्ट के बिना मेरे को ठंड लग रही है या फिर गर्मी लग रही है? कुछ नहीं लग रहा। ओके भाई चलो, अच्छा है भाई, यहाँ पे काम आ जाएगा, वरना दिक्कत हो सकती थी भाई लिटरली। ओके नेक्रोमस पैलेडियस सर जी, कहाँ हो आप? ये रहे भाई। पैलेडियस सोया क्यों नहीं हुआ भाई? शाम हो चुकी है, सो जाना चाहिए अच्छे बच्चों की तरह। यहाँ पे भाई पहले तो अपना पाल बॉक्स बना देते हैं, तो यहाँ पे वो वाला डिसमेंटल कर देंगे हम, और यहाँ पे नया वाला पाल बॉक्स हो गया सेट। ओके डन भाई। पैलेडियस सर जी कहाँ गए आप? सो गए हो गया? अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही अच्छे बच्चों की तरह सोए रहिए भाई पूरी रात, हम यहाँ पे बस नेक्रोमस के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ खेल रहे। हेलो नेक्रोमस सर जी, घोड़ा घोड़ा खेलेंगे क्या आप मेरे साथ? खेलेंगे, अच्छा ये लीजिए मेरा घोड़ा, आई मीन क्या बोल रहा हूँ भाई मैं। ओके जेड ड्रैगन, नहीं नहीं ऐसा नहीं। ओके मैंने भाई, मैंने अंधा निशाना लगाया फिर भी उसको लग गया भाई, प्रो प्रो लिटरली प्रो। ओके यहाँ पे वो जला हुआ है, लेकिन वो वापस क्यों चला गया भाई? हेलो तू जला हुआ है? मैंने जलाया तेरे को, मेरे पास आ, ये ले प्रूफ दू तेरे को कि मैंने जलाया है भाई, मैंने अटैक मिस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे उसको रॉकेट लॉन्चर मारूंगा एक में और भाग जाऊंगा, लेकिन मेरा ही ऑब्वियसली रॉकेट लॉन्चर रिलोडेड नहीं है, और भाई अब मैं उसको नहीं मार सकता क्योंकि वो उसके बहुत नजदीक है भाई। भाई ये क्या दिक्कत है इसको, आ जाना भाई ये, अरे देख लिया देख लिया देख लिया, निकलो 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 निकलो, चारिज़ार्ड सर जी बाहर आइए जल्दी और यहाँ से निकालिए हमको। ओके भाई आई गेस अब ये थोड़ा सा मैदान में आ चुका है, और यहाँ पे मेरे जेट ड्रैगन के पास फायर अटैक्स क्यों है भाई? ड्रैगन टाइप्स यूज करने चाहिए ना भाई मेरे को इसके अगेंस्ट, लेकिन कोई बात नहीं भाई, इसको बर्निंग डैमेज भी पड़ रहा है और ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। बट मेरा जेट ड्रैगन भाई क्यों जला हुआ है यहाँ पे? मर जा साढ़े मर जा, अबे अरे वापस चला गया भाई। ओ भाई क्या क्या निशाना लगाया भाई, क्या निशाना लगाया भाई उसको। भाई इन लोगों की इसने रेंज वेंज कम कर दिया है शायद अपडेट के साथ, क्योंकि भाई अब ये यहाँ तक नहीं आ रहे, थोड़ी देर में चला जा रहा है वो वापस। ओके यहाँ पे भाई जेड ड्रैगन को पहले ड्रैगन अटैक्स देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ड्रैगन अटैक्स होंगे तो। चलो जेड ड्रैगन सर जी यहाँ पे, उसकी भाई आधी हेल्थ हो चुकी है नेक्रोमस की, मेरे को याद है भाई पहली बार इससे लड़ाई की थी इसने भाई गंदा, भाई लिटरली मैंने 3 बार इसके साथ रीमैच किया था, तब जाके मैं इसको पकड़ पाया था, और अब तो देखो भाई इतनी आसानी। ओए 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 रुक जा बात खत्म करने दे मेरे को। ये देखो ये देखो ये ये ये, ये देखो कैसे भाई ये पिछवाड़े में घुसता है भाई जेड ड्रैगन, मैं बोल रहा हूँ भाई इसकी कुछ दिक्कत ही है, ये घुसता रहता है भाई सबके पिछवाड़े पे। देखो 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 कैसे वापस भाई अलग शौक है भाई इसके भी। अबे अबे भाई इसकी HP, अरे ये देख कहाँ पर हाँ पे ले जा रहा है भाई। ओके भाई अब तू अंदर आ जा, ठीक है मेरे को डैमेज देने दे 700 भाई, बहुत मस्त डैमेज दे दिया, ये 1 HP पर है, ठीक है इसको पकड़ना कर देते हैं स्टार्ट गाइस। ऑब्वियसली ये 5-6 स्फीयर्स में तो नहीं आएगा, बहुत सारे खा जाएगा मेरे को पता ही है। हाँ इसकी शक्ल पे ही दिखता। ओ माय गॉड भाई पैलेडियस जाग चुका है गाइस यहाँ पे। पैलेडियस सर जी हम कुछ नहीं कर रहे, बस हम आपके भाई के साथ बॉल के साथ खेल रहे हैं, आई मीन क्या बोल रहा हूँ मैं, भाई के साथ कैच कैच खेल रहा है, ठीक है ये वो कैच करता है उसके अंदर जाता है फिर बाहर आके वापस कैच करता है, ऐसी गेम है समझ गए, पकड़ा गया भाई ये। चलो जो भी हो, ओए 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 क्या रहा है, क्या क्यों 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 मार रहा है भाई तू, क्यों मार रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा तेरा ब्रो, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, रुक जा अभी तेरे को दिखाता हूँ ये रॉकेट लॉन्चर खामू पे। कैसी लगी कैसी लगी, मजा आया? जेड ड्रैगन सर जी इसको जरा दिखाइए कौन होता है बॉस, बॉस पोकेमोन किसे कहते हैं वो जरा इसको दिखाइए भाई। बहुत बढ़िया ठीक है, और मारिए यस, बहुत ही उम्दा मस्त भाई, ड्रीम 11 की टीम में आप हो चुके हैं सिलेक्ट भाई। भाई मैं सोच रहा हूँ कि इन गोपफिंस की जगह पे ना मैं उन लो लेवल के जेड ड्रैगन को ले लेता हूँ, ठीक है बाकी क्या होगा कि भाई उनका भी लेवल अप जो है वो हो जाएगा, ठीक है ये रहे 40-41 लेवल्स के हैं, इनका लेवल अप हो जाएगा भाई इसी बहाने। भाई मैंने यहाँ पे जेड ड्रैगन्स किया, थोड़े से स्विच करे पाल बॉक्स में से, इसकी हेल्थ यहाँ पे इसने भाई 3000 कम कर दिया इतनी देर में, और ऊपर से भाई मैं भी रॉकेट लॉन्चर से डैमेज दे रहा हूँ भाई। रॉकेट लॉन्चर कतई बहुत ही मजा आता है सच में यूज करने में भाई लिटरली।
भाई देखो उसके मुंह पे मार रहा हूँ ना, फिर भी उसको वो डैमेज नहीं हो रहा। और ये कछुओं की क्या दिक्कत है भाई, डिक्टोइस पता नहीं भाई बहुत ही चुल होती है इनको, ये आ जाते हैं लड़ने लिटरली, मत आइयो भाई वरना बहुत ही गंदा रॉकेट लॉन्चर पड़ेगा मुंह पे। देखो ऐसे रॉकेट लॉन्चर पड़ता है समझे, हाँ क्वेश्चन मार्क ही रहने दे बेटा, यहाँ पे मत आइयो ठीक है भाई। उसको बर्निंग डैमेज पड़ रहा है उसकी एचपी, ओ माय गॉड भाई ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, वो बर्निंग डैमेज से मर जाएगा भाई। मेरे को कुछ करना पड़ेगा, क्या करूँ क्या करूँ, प्लीज मत मर भाई, एक काम कैप्चर भाई, कैप्चर कर, क्या करता है कैप्चर करने लगो। ओके भाई प्लीज मत मरना, प्लीज मत मरना भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके एक शेक आया, प्लीज प्लीज दूसरा शेक, ओ भाई थैंक यू भाई, ये भाई मर ही जाता भाई, अगर बाहर आता ना भाई ये मर ही जाता भाई साहब। हेलो मर्चेंट सर जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखो रेगिस्तान में घूमते नहीं वैसे, लेकिन चलो ठीक है, आप क्या बेच रहे हो? आप पहले देखिए ये सारी चीजें ले लीजिए मेरे से ठीक है, हाँ इसके मुझे पैसे दे दीजिए, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे मेरे को आप क्या बेच रहे हो? पाल फ्लूइड्स बेच रहे हो, हाई क्वालिटी पाल ऑयल बेच रहे हो, वाह 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 आप तो बड़े काम के मर्चेंट हो भाई, क्या बात है क्या बात है। देखो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे घूमते नहीं है ठीक है, वरना लोग परेशान करते हैं, ऐसे ऐसे बॉल्स में कैप्चर कर लेते हैं आपको, और वो लेजेंडरी बॉल होता है ना भाई, आप बाहर भी नहीं निकल पाते, जैसे कि आप यहाँ पे कैप्चर हो गए। पॉजिटिव थिंकर मिला है, अच्छा है भाई, बेस पे रहेगा तो डिप्रेशन में नहीं आएगा। अब यहाँ पे ठीक है, अपने गोल्फिंस को वापस ले लेते हैं और जाते हैं जेट ड्रैगन को मारने के लिए। हेलो जेट ड्रैगन, हाउ आर यू, हम आ चुके हैं वापस भाई। देखो रुको 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 रुको, हाइप में नहीं जाना है ठीक है, पहले जाके यहाँ पे बेस बनाना है ठीक है। पहले तो यहाँ से बेस उठा लेते हैं अपना डिसमेंटल करके, और उस बेस को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। वेरी गुड भाई, ठीक है अब अपने फ्रॉस्ट एलियन को निकालते हैं, क्योंकि अब हमें अपनी बजूका में मिलेगा फ्रॉस्ट डैमेज। हेलो जेट ड्रैगन सर जी, क्या हम आप हेडशॉट ले सकते हैं क्या, जरा सा अपना मुखड़ा दिखाइए। नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं भाई, इस पे नहीं होगा, नहीं होगा, होगा ही नहीं भाई इस पे, ये इंसान मानने को तैयार ही नहीं है भाई। उसको 1000 का डैमेज हुआ है क्या एक बार में, उसकी एचपी तो देखो क्या कम हुई है भाई, वैसे दिखा तो रहा है यहाँ पे 800 जितना, बट आई गेस भाई उसको डैमेज अच्छा पड़ रहा है उससे भी। हाँ देखो 900 का पड़ा इस बार, ऑलमोस्ट 1000 कह सकते हैं भाई। और सोच रहे हो अभी तक तो मैंने ये गोल्फिंस को भाई इस पे स्टार्स भी नहीं लगाए, और पता है वैनगार्ड गोल्फिंस होते हैं ना भाई, वो 10% इंक्रीज करते हैं, ऊपर से इन पे अगर 4-स्टार वाले गोल्फिंस हो तो भाई साहब मेरा डैमेज अभी है उससे भी डबल हो जाएगा शायद उससे भाई। ये मैंने बात करी सिर्फ एक मिनट, मैंने बात करी उसकी एचपी जरा देख रहे हो जेट ड्रैगन की कितनी कम हुई है। वैसे भाई मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा जला पड़ा हूँ, मेरे को डैमेज पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं भाई, हम थोड़ा सा यहाँ पे सहन कर लेंगे, बट फ्रॉस्टेलियन नहीं मरना चाहिए भाई, फ्रॉस्टेलियन मर गया ना तो फिर दिक्कत हो सकती है। चल भाई चल, बहुत ही कम डैमेज बचा है अब, बहुत ही ज्यादा कम डैमेज बचा है। ओके भाई रिंग ऑफ मर्सी पहन ली मैंने, मैं भी यहाँ पे बिल्कुल भी भूल नहीं करना चाहता था भाई, ठीक है यहाँ पे अब इसको पकड़ना करता है स्टार्ट भाई। आजा भाई आजा 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 प्लीज आजा आजा, इस वाले में आ गया, इस वाले में आ जा, बहुत बढ़िया, वरना बुच्चर कर दूंगा भाई। अरे क्या बात है भाई, मान गया सच में, लोल भाई। चलो यहाँ पे एक और जेट ड्रैगन हमने इजीली पकड़ लिया है दोस्तों, और भाई जेट ड्रैगन को पकड़ने के साथ हमारी यहाँ पे तैयारियां भी कंप्लीट हो चुकी है। ओके सो भाई आई गेस यहाँ पे मेरी सारी जो तैयारियां वो कंप्लीट हो चुकी है, बस ये बेकार का सामान जो काम का नहीं है वो रख देते साइड में। ओके और अब जाते हैं भाई हमारे वहाँ पे बेस पर पैनकिंग के पास अपनी लड़ाई स्टार्ट करने की। ओके भाई यहाँ पे देखो मेरे पास एक चिलेट है ठीक है, क्योंकि मुझे ड्रैगन टाइप अटैक करना है तो मुझे एक चिलेट ड्रैगन टाइप माउंट चाहिए होगा, और उसी के साथ भाई यहाँ पे मेरे पास एक रैग्नारोक है, रैग्नारोक जिसका नाम मैंने चेंज करके रखा है, बट ये मेरे को फायर डैमेज के लिए चाहिए, क्योंकि भाई बेलेनो लिबेरो जब लो एचपी पे होती है तब वो अपना फॉर्म चेंज करके आइस टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे मेरे चिलेट पे वैसे भी भाई वैनगार्ड लगा है जिससे 10% प्लेयर अटैक में इंक्रीज मिलेगा, तो भाई ये बढ़िया हो जाएगा। ऊपर से भाई यहाँ पे गोल्फिन स्ट्रैट की मदद से अटैक मेरा 270 है, ये मोजरीना चीज बर्गर है, और यहाँ पे ये क्यों लगे हुए हैं भाई, इनको निकालो। ओके ये अटैक पेंडेंट +1, ओके हाँ इन दोनों को भाई मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, तो भाई इससे मेरा अटैक 306 हो गया, और अभी तो भाई मैंने मोजरीना चीज़बर्गर नहीं खाया जिससे 20% इंक्रीज होगा। और यहाँ पे देखो मैंने एक पेज पूरा का पूरा उसकी फर्स्ट फेज के लिए रखा है, जिसमें ये सारे पाल्स है जो कि डार्क टाइप के साथ लड़ने में मस्त है। और यहाँ पे देखो ये वाला पेज जो है वो मैंने पूरे जितने भी मेरे पास ब्लेजेमुट्स थे भाई उनसे भर के रखा है, क्योंकि भाई ये वाला पेज तब मैं यूज करूंगा जब वो स्नो टाइप में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे भाई पहले तो अपने सारे के सारे जेट ड्रैगन्स रख देते हैं भाई, कितने सारे जेट ड्रैगन्स, और ये सारे भाई 43+ लेवल्स हैं। मैंने लाइलिन इसलिए रखी है क्योंकि वो भाई वो अपना ग्रिप वाइन वाला अटैक करके उसको जकड़ लेती है, और यहाँ पे भाई तगड़ी फाइट स्टार्ट होने वाली है। तो भाई इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक नहीं किया तो कर दो भाई, क्योंकि ये फाइट तुम्हें हर बार देखने को नहीं मिलती भाई,
पूरा सब कुछ प्लान्ड आउट है अब तो। भाई कतई ज्यादा मजा आने वाला है इस फाइट में, तो अभी के अभी जाकर लाइक और सब्सक्राइब कर दो। भाई क्या कर रहे हो अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो। और यहाँ पे इसको समन करके भाई मुझे भागना है, ठीक है सब कुछ देख लेता हूँ, रेडी है ना। ओके यहाँ पे रॉकेट, अबे रुको रुको रुको, हाँ ओके रॉकेट लॉन्चर सब कुछ रेडी है। भाई ये तो खाना मैं भूल ही गया, चलो इसको खा लेते हैं भाई, 20% इंक्रीज हो जाएगा। ओके यहाँ पे 377 अटैक हो चुका है भाई साहब, डबल हो चुका है मेरा अटैक। ओके यहाँ पे इसको समन करते हैं, और समन करते ही मेरे को भागना है यहाँ से, जल्दी 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 जल्दी, चिल्लेट भागले चिल्लेट भागले। चलो गाइस कर दो यहाँ पे हल्ला बोल स्टार्ट अपना। और भाई साहब क्या सीन है भाई, लिटरली ये जो हल्ला बोल है ना यही देखने में तो मेरे को मजा आता है। ओके यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर यूज करते हैं। ओ भाई क्या उसको 10,000 प्लस डैमेज मिला क्या, मैंने देखा भाई पूरा लाल करके आया था लिटरली। ओके इस बार 7,000 जैसा कुछ मिला, मेरे को पक्का नंबर नहीं दिखा। ओके वापस मारते हैं भाई, 11,000 भाई मैंने देखा 11,000 था इस बार, पूरा रेड कलर में, यानी कि पूरा क्रिटिकल डैमेज था। अरे 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 मत मार, अच्छा ये तो मेरा एस्टेगन ही है, मेरे को लगा भाई वो मार रही है खतरनाक वाली लेजर। 10,000 भाई साहब क्या डैमेज हो रहा है भाई उसको, बहुत ही मस्त तगड़ा डैमेज हो रहा है। ये भाई मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है, ये तो मेरे पीछे आ रही है भाई, मेरे को बच के रहना होगा इससे। कहाँ पर है कहाँ पर है भाई, एक तो ये दिख रही, ओ भाई वो मेरे को दिख भी नहीं रही थी फिर भी मैंने क्रिटिकल डैमेज दिया पूरा 10,000-11,000 का। भाई दिखा नहीं था लेकिन ऐसा ही नंबर था बड़ा, यहाँ पे क्रिटिकल नहीं पड़ता तो भाई आधा ही पड़ता है, 11,000 से सीधा 6,000, तो भाई 11,000 पड़ेगा तो अच्छा रहेगा वो क्रिटिकल डैमेज। ओके वो स्टन हो चुकी है, मेरे को यहाँ पे वो आवाज आई ठीक है स्टन होने की, मारो पैल्स अभी मौका है भाई, तुम सब लोग क्यों खड़े हो, अभी तो मौका है भाई मारने का, मारो 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 साले को मारो जल्दी। भाई तुम लोग देख रहे हो इतनी देर में हमने उसकी एचपी ऑलमोस्ट 2,00,000 कम कर दिए भाई, मस्त डैमेज भाई। यहाँ पे भाई मेरी चिल्लेट की हेल्थ बहुत कम है भाई, चिल्लेट नहीं बननी चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए चिल्लेट नहीं बननी चाहिए। ओ माई गॉड ओ माई गॉड भाई ओ माई गॉड ओ माई गॉड भाई कितने, अरे 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 भाई मरे ही जा रहे भाई, सब के सब मर गए क्या भाई, भाई सब के सब मर गए क्या, नहीं 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 अभी तो बहुत जिंदा है, ठीक है जल्दी रिप्लेस करने पड़ेंगे पास मेरे को, जल्दी जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या करो। ओके मेरे को खींच के लाने पड़ रहा है भाई, वो नहीं आ रहे, ओ नहीं उसने तूफान डाल दिया तूफान डाल दिया, नहीं 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 भाई, ओ भाई ओ नहीं 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 भाई मैं मरना नहीं चाहता भाई, ये टाइम नहीं है मरने का, जल्दी 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 पास ड्रॉप करने पड़ेंगे भाई, ये क्यों नहीं आ रहे, राइट क्लिक से मेरे को खींच खींच के लाना पड़ रहा है भाई, राइट क्लिक से आ जाते हैं। ओके आ रहे अब आ रहे अब आ रहे अब आ रहे भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, मेरे को बचा रहे भाई जल्दी आओ भाई, मेरी हालत खराब है मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से भाई, कुछ पता ही नहीं चल क्यों चल रहा है यहाँ पे लिटरली। ओके जंप भाई बहुत बढ़िया मस्त डॉज किया मैंने ठीक है। ओके 12,000 भाई साहब 12,000 का डैमेज दिया मैंने, देखा है लिटरली अभी 12,000 का डैमेज पड़ा था उसको, उसकी एचपी भाई 40% बची है सिर्फ। ओके वो स्टन हुई, मेरे को आवाज आई मारो मारो पैल्स, यही मौका है भाई मारने का, जल्दी मारो सबके सब। 10,000 भाई सबसे ज्यादा तो मैं ही डैमेज दे रहा हूँ इसको लिटरली, कितना मस्त रॉकेट लॉन्चर का डैमेज पड़ रहा है, देखो वापस लाल कलर के लिख के आया लेकिन मेरे को भाई दिखा नहीं। ओके उसकी एचपी भाई कितनी ज्यादा कम हो चुकी है इतनी थोड़ी देर में। ओके भाई इसकी एचपी हमने अंडर 1,00,000 ला दी है भाई, अब तो बहुत ही ज्यादा कम एचपी बची है भाई, इसने अभी तक ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं किया आइस फॉर्म में, ये लगभग अभी 1,00,000 के बाद ही ट्रांसफॉर्म करती है भाई, लेकिन अब कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि उसकी सिर्फ 50,000 एचपी बाकी है भाई, ट्रांसफॉर्म होगी फिर भी क्या कर लेगी भाई ये, देखा 12,000 का तो मैं खुद डैमेज दे रहा हूँ। ओके वो गायब हुई, वो ट्रांसफॉर्म हो रही है क्या, नहीं 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 अभी तो ये अटैक ही करी है, सिर्फ 30,000 बचा है ठीक है एक और शॉट मार दे एक और शॉट मार दे जल्दी लग जा प्लीज। ओके 20,000 ओके वो ट्रांसफॉर्म हो रही है यहाँ पे जल्दी जल्दी। ओके ओके वो आइस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म भाई, उसकी एचपी बढ़ गई 80,000 भाई, मेरे को ये नहीं पता था कि एचपी बढ़ जाती है, मुझे लगा सिर्फ ट्रांसफॉर्म ही होगी आइस में, भाई भाई क्या हो गया भाई ये। ओके जल्दी मेरे को ब्लेजमुट्स रखने पड़ेंगे, जल्दी जल्दी इन सारे पाल्स को रखो भाई, जल्दी जल्दी कर ग्रिफिन क्या कर रहा है। ओके जल्दी 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 ब्लेजमुट्स आ जाओ सारे के सारे जल्दी, ब्लेजमुट्स ओके ओके फुल हो गए क्या, ठीक है इनको ड्रॉप करो, ब्लेजमुट आ जाओ लाइलिन नॉक्स आ जाओ ठीक है। ओ माय गॉड भाई अभी कमेंट्री में क्या चल रहा है मेरे को पता नहीं भाई, प्लीज सेंड कर लेना क्योंकि भाई मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो चुका हूँ लिटरली यहाँ पे भाई, मैं मरना नहीं चाहता अब तो बिल्कुल नहीं भाई। अरे मैं रैग्नारोक को लेना तो भूल गया भाई दिक्कत हो गई। ओ नो मेरे ब्लेजमुट्स मर रहे हैं भाई, मेरे कितने ब्लेजमुट्स मर चुके हैं, जल्दी मेरे को रैग्नारोक के लेना होगा, रैग्नारोक आ जा जल्दी ठीक है, रैग्नारोक पे बैठना होगा। ओके अब देखते हैं भाई इसको कितना डैमेज पड़ता है, क्योंकि रैग्नारोक से इसका डैमेज ऑलमोस्ट डबल हो जाता है मैंने ऐसे सुना है भाई, रीलोड नहीं होता एक तो मेरा कभी भाई, ये रीलोड का इतना दिक्कत है ना मैं क्या बताऊं। 15,000 डैमेज भाई साहब, क्या डैमेज है भाई ये तो, 14,000 डैमेज हो गया सिर्फ एक ही गोली ठीक है, 15,000-16,000 तो पड़ रहा है इसको एक गोली भाई, नौ हज़ार पड़ा भाई, क्या दिक्कत है ठीक है कोई बात नहीं, फिर एक ही रॉकेट मारना है मेरे को और ये डेड है भाई,
ओके मिस हो गया मेरे से रॉकेट ही मिस हो गया, बट यहाँ पे ब्लेजबूट ने मार दिया भाई। यस भाई, हमने बेलन और लिबेरो को मार दिया है भाई साहब। ग्रिफिन ओपी इन द चैट हो जाना चाहिए भाई, कमेंट्स में ग्रिफिन ओपी हो जाना चाहिए भाई आज तो। क्यों बेटा, तेरे को क्या लगा तू मेरे को ऐसे पेलेगी है? बदला भाई, बदला बदला होता है समझी। चल जा जा नहाने जा चल। ओके चलो देखते हैं भाई इसको मार के क्या मिला। तो यहाँ पे हमें बेलन और लिबेरो अल्ट्रा की स्लैब मिल चुकी है, मतलब भाई इससे एक और खतरनाक बेलेनोर को हम स्पॉन कर पाएंगे जो कि अल्ट्रा है, लेजेंडरी लेवल की है। और यहाँ पे एक मल्टी क्लाइमेट अंडरशर्ट +2 मिल चुका है, मतलब ये पहनूंगा ना तो मुझे और यहाँ पे हीट या फिर कोल्ड रेजिस्टेंट पहनने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सारा काम कर देगा। और यहाँ पे लाइफ फ्रूट है भाई, इससे ना हम पाल की हेल्थ इंक्रीज कर सकते हैं भाई। ये तो सच में खतरनाक चीज है भाई। और यहाँ पे ऑब्वियसली हमको मिला है कि ह्यूज डार्क एग, और हमको पता ही है ना भाई इस ह्यूज डार्क एग से क्या मिलने वाला है। और यहाँ पे एंशियंट सिविलाइजेशन कोर भी मिला है। ओके भाई, सबसे पहले तो बेस पे जाके मैं इस एग को इनक्यूबेट करना चाहता हूँ। ओके यहाँ पे रख रहे हम एग को। गाइस लाइक कर दो भाई, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो तुम क्या कर रहे हो। हम यहाँ पे एग को इनक्यूबेट करने वाले हैं भाई इन 3, 2, 1 एंड हियर्स आवर बेलेनो लिबेरो। ओ भाई साहब, मेरे को ये फेरोशियस मिली है, बहुत ही मस्त किस्मत है भाई मेरी, लिटरली फेरोशियस वाली मिल चुकी है यार। कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है? ये रही भाई फेरोशियस वाली भाई साहब। साइरन ऑफ द वॉइड 20% इंक्रीज टू डार्क एज वेल एज आइस अटैक, भाई क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे 20% फेरोशियस का अटैक भाई साहब। भाई ये लगती तो बेलेनोर जैसी है, बस पर्पल कलर की है। ओके सो भाई, हमने इसको लेजिट वे से तो मार दिया, लेकिन मेरे पास भाई एक और भाई तरीका है, इविल वाला तरीका। तो भाई उसके लिए मेरे को पहले तो भाई एक अच्छा वाला माउंट चाहिए होगा जो कि बहुत ज्यादा फास्ट हो। चलो भाई ये सब हील हो चुके हैं। ओके मेरा न्यूम ले लेते हैं, उसके साथ भाई मैं बीरस, नहीं बीरस की वर्क स्पीड बहुत ही कम है, ऐसा लूंगा जिसकी वर्क स्पीड भाई मस्त वाली हो, ठीक है। ओके तो यहाँ पे भाई ये अनलॉक हो चुका है हमारा वुडन स्टूल, मुझे भाई इसको बनाना है लिटरली, पता है। ओके पहले तो भाई यहीं से वुड इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि इसके लिए मैं बेस पर नहीं जाना चाहता भाई। यहाँ पे एक स्टूल इस तरह से, ठीक है, एक और स्टूल भाई इसके ऊपर। ओके ओके ये इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर है। ओके भाई फाइनली बन गया बन गया बन गया बन गया। ओके भाई सो अब ये ऐसे ऊपर बन चुका है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे पहले तो क्राउच होना है और इन दोनों स्टूल्स को यहाँ पे तोड़ देना है, ठीक है, गलती से भाई उसको मत तोड़ देना। ओके अब उनकी जगह भाई मुझे यहाँ पर एक कैंप फायर लगानी है, ठीक है, ये लगा दी मैंने कैंप फायर। ओके भाई अब यहाँ पे हमारा सेटअप जो है वो रेडी हो चुका है, अब बस मुझे इसमें एक स्लैब रखनी है। तो भाई मैं स्लैब के लिए अब इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। ओके भाई मैं फाइनली स्लैब लेके आ चुका हूँ यहाँ पे बहुत देर के बाद लिटरली। सो यहाँ पे हमारी स्लैब को रख देते हैं। अब भाई मेरे को इसको स्पॉन करके यहाँ से भाग लेना है भाई लिटरली। तो मैं इसको स्पॉन करके सीधा भाई यहाँ से भाग के रिंग के बाहर जाऊंगा कुछ इस तरीके से, लेकिन मुझे इतना दूर भी नहीं जाना भाई। अब देखो भाई उसको पड़ रहा है यहाँ पे बर्निंग डैमेज। अब यहाँ से मैं जेट ड्रैगन से उतर जाऊंगा भाई और यहाँ पे मेरी राइफल को रिलोड कर लेते हैं भाई। वो पूरी मरे ना उससे पहले मैं उसको एक दो गोली मार दूंगा, इससे क्या होगा कि भाई वहां पे उसको डैमेज पड़ेगा यहाँ पे और ऐसा रजिस्टर होगा कि मैंने उसको मारा है बट मैंने उसको नहीं मारा होगा क्योंकि वो तो भाई यहाँ से फायर डैमेज से मर रही है भाई। सच में कैंप फायर इस गेम की बेस्ट वेपन है भाई, कैंप फायर इज ओपी, कैंप फायर ओपी इन द चैट हो जाना चाहिए भाई। भाई कैसे उसको डैमेज पड़ रहा है भाई। मेरे को ना एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि मुझे उसकी एचपी जब एकदम कम हो तब जाके उसको मारना है, ठीक है। ओके यहाँ पे रेडी रहते हैं उसको गोली मारने के लिए। ओके भाई 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 भाई, भाई, भाई ये तो नर्वस हो रखा हूं मैं। ओके भाई ये देखो यहाँ पे वो मर चुकी है बहुत ही इजीली और उसका सामान हमें सब कुछ मिल चुका है और उसी के साथ एक और ह्यूज डार्क एग भाई। चलो भाई इस वाले डार्क एग को भी यहाँ पे खोल के देखते हैं। ओके भाई देखते हैं इस वाले में से भाई कैसी वाली निकलती है हमारी लिबेरो वर्जन। ओके यहाँ पे करते हैं भाई, खोलते हैं इसको। साइरन ऑफ द वॉइड, सिर्फ साइरन ऑफ द वॉइड ही मिली है, ठीक है। पर देखते हैं भाई अगर ये मेल फीमेल हुए तो मैं इनकी ब्रीडिंग करवा सकता हूँ भाई। ये फीमेल है भाई, दोनों फीमेल है भाई यार। सो भाई आई नो मैंने इस वीडियो में बेलेनोर का नामकरण नहीं कराया बट भाई मैं बेलेनोर और बेलेनोर लिबेरो दोनों का नामकरण एक साथ करना चाहता था जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो बेलेनोर लिबेरो के लिए भाई नाम सजेस्ट कर देना और उसी के साथ भाई नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों के लिए होने वाला है एक बहुत बड़ा सरप्राइज। सो भाई अगर तुम नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो जल्दी जल्दी से आज का
का सब्सक्राइबर और लाइक गोल कंप्लीट कर दो। उसी के साथ भाई कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट करके लिख देना। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।